8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण की स्थिति हमारे सामने उपस्थित होने जा रही है। अब इस पर जो चंद्र ग्रहण है इसको लेकर बहुत सारा मतिभ्रम उपस्थित हो चुका है और परिस्थिति यह हो गई है कि अधिकांश जो जनता है वह भ्रमित हो गई है कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा, और यदि रहेगा तो हमें क्या करना है, यदि नहीं रहेगा तो इसे मानना है या नहीं मानना है, ग्रहण की स्थितियों में सूतक काल के समय हमें क्या करना है, ग्रहण के समय पर हमें क्या करना है, ग्रहण के मोक्ष काल के पश्चात कौन सी क्रियाएं की जानी है, आदि आदि बहुत सारे विचार लोगों के बीच में अभी इस समय उपस्थित हैं और उनका समाधान आवश्यक लगता है। देखिए, यह जो चंद्र ग्रहण है 8 नवंबर वाला, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए हमारे मन में भ्रम की स्थिति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह ग्रहण दोपहर में 2:38 से यह प्रारंभ होगा और 6:19 तक इस ग्रहण की अवधि है, बहुत लंबी अवधि है, और इसका जो मध्य काल है लगभग 4:30 के आसपास, उस समय पूरा चंद्रमा ग्रहण से युक्त होगा और ग्रस्तोदय यह ग्रहण माना जा रहा है। मतलब चंद्रमा ग्रस्त होगा और ग्रस्त के बाद में उदित हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारे यहां पर ही नहीं, इस ग्रहण का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होना है और भारत में सभी दूर इस ग्रहण की मान्यता रहेगी। अब किन्हीं का कहना यह है कि जहां पर यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा वहां पर इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, यह भ्रम की स्थिति है। देखिए, ग्रहण यदि भारत भूमि में है, हम लोग जब संकल्प बोलते हैं आर्यावर्तांतर्गत, तो ये जो आर्यावर्त है, जो हमारा पूरा मध्य क्षेत्र है, जो हमारा पूरा भारत वर्ष है पृथ्वी की दृष्टि से, यहां पर कहीं पर भी यदि ग्रहण की स्थिति बन रही है तो वो सर्वत्र मान्य होगी। दूसरी बात यह है कि लगभग 5:20 के पश्चात, शाम को 5:20 के पश्चात भारत वर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रहण की स्थितियां बनेंगी। वह चंद्रोदय के साथ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर होगी। जैसे आप पूर्व में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ग्रहण का समय भी बढ़ता जाएगा, और जब आप मध्य में आएंगे, मालव प्रदेश इत्यादि के मध्य देश में जब आएंगे, उज्जैन है, इंदौर है या अन्य अन्य जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन स्थानों पर आएंगे तो लगभग 5:32 के पश्चात 6:19 तक ग्रहण की स्थिति रहेगी। इसलिए यह ग्रहण सभी लोगों के द्वारा मान्य है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अब समय उसका अलग हो सकता है, कहीं पर 20 मिनट होगा, कहीं 30 मिनट होगा, कहीं 1 घंटा भी होगा, कहीं 1.5 घंटे होंगे, अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन ग्रहण रहेगा। अब ग्रहण में क्या करना है, देखिए ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है इसलिए इसमें जो वेद है, जो सूतक है ग्रहण का, वह 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि प्रातः काल ही इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा, सूर्योदय के समय से ही, बल्कि उसके पहले से ही शुरू हो जाएगा। अब इस सूतक काल में हमें क्या क्या करना है, पूर्व के वीडियो में हमने ये सब बता दिया है, फिर भी सामान्य रूप से यदि किसी के घर में कोई श्राद्ध की विधि है तो वह सूतक काल में होगी, लेकिन ब्राह्मण भोजन नहीं होगा और हमें भी भोजन नहीं करना है, आमान्य दिया जाएगा। ये तो पहली स्थिति होगी, आमान्य से मतलब सूखा सीधा, सूखा अन्न दिया जाएगा दान में। दूसरी, अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ग्रहण के समय पर हमेशा ये उपस्थित होता है, अनेक देव मंदिरों को लेकर और जो विभिन्न धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर ये प्रश्न हमेशा सामने आता है कि सूतक काल में मंदिर के पट बंद होंगे या नहीं होंगे, और उस समय पर देव पूजन होगा या नहीं होगा। ऐसे ये प्रश्न इतनी अधिक मात्रा में हमारे सामने है कि इनके विषय में विचार आवश्यक है। इसमें दो प्रकार के मत मिलते हैं और हमें इस पर जो विचार करना है वह सभी मतों का समन्वय करने पर करना चाहिए। वैष्णव आदि जो धर्मशास्त्र की व्यवस्थाएं हैं, वैष्णवागम आदि के धर्मशास्त्रों की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें सूतक काल को भी वर्जित माना गया है, परंतु यह भी व्यवस्था है कि सूतक काल में हमारे श्राद्धादि जो कर्म है वो कभी निषिद्ध नहीं होते, वो बराबर किए जाएंगे, उनका निषेध नहीं होगा, और किसी के यहां कोई आपतित स्थिति बनी है तो वो कार्य भी किया जाएगा। और इसी तरह से जो देव मंदिर है वह देव मंदिर प्रातः काल
वेद प्रारंभ होने के सूतक प्रारंभ होने के पहले भगवान को स्नान आदि करा करके और हम पट पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। हाँ, मूर्ति का स्पर्श नहीं होगा, मंदिर में प्रवेश भी नहीं होगा, परंतु भगवान को हम पूरी तरह से द्वार से द्वार लगा करके अंदर बंद नहीं करेंगे। केवल ग्रहण काल जो होता है, उस ग्रहण काल की अवधि में हम भगवान का पट बंद करेंगे, उनके दर्शन वर्जित होते हैं। लेकिन वेद के समय में, सूतक काल में इसका निषेध नहीं है। इस ढंग के प्रमाण भी कतिपय स्थलों पर जरूर, जैसा हमने बताया कि वैष्णवादी ग्रंथों में जो धर्मशास्त्र के प्रमाण है वहां मिलते हैं, परंतु धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और जो हेमाद्री आदि जो धर्मशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं, इसी तरह से स्मृतियां हैं, इनमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हुआ है कि ग्रहण काल को छोड़कर अन्य अवधि में पूर्ण रूप से देव द्वार को बंद न किया जाए। और ग्रहण के मुक्ति के पश्चात, मोक्ष के पश्चात जब पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाएंगे, तब सचैव स्नान, अर्थात जिस वस्त्र को पहन करके हम ग्रहण काल में बैठे हुए हैं, उन वस्त्रों के साथ ही हमें स्नान करना है। और स्नान करके शुद्ध होने के बाद में अब क्या करना है, इसके बाद हमें दान करना चाहिए। दान के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु है कि 7 प्रकार का अनाज दे करके और प्रत्येक सदस्य जो परिवार के हैं उनका स्पर्श करा के, उनका संकल्प करा करके दान किया जाए और प्रातः काल यथा योग्य हम उन्हें योग्य पात्र को दान दे दें। ये तो हुई ग्रहण के पूरे समय की स्थिति। अब पालनीय नियम वही हैं। अब इसमें ध्यान रखना यह है कि एक लंबी अवधि का, फिर प्रातः काल से लेकर के शाम तक का सूतक काल है और इसमें भोजन आदि नहीं करना चाहिए। परंतु शास्त्र का यह भी मत है कि जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं और जिन्हें किसी प्रकार का रोग आदि है, जिन्हें दवाइयां लेना पड़ती हैं और जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वे लोग भोजन या तरल पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। लगभग 5 घंटे पहले तक वो ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति है। तो ग्रहण काल के पहले तक भी आप जल या कोई तरल पदार्थ आप ग्रहण कर लें, लेकिन भोजन को आप कम से कम ग्रहण काल में न करें। तो ये ग्रहण के सामान्य नियम है। उसी तरह से पूर्व में हम बता चुके हैं आपको कि विशेष करके जो माताएं गर्भवती हैं उन्हें ध्यान रखना है चंद्र ग्रहण के प्रभाव को भी, और उससे होने वाले जो आगामी कष्ट हैं उनसे बचने का उपाय भी करना चाहिए। उसमें आप देख लीजिए, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जातः। और अभी एकादशी तिथि को जब देव प्रबोधन हो गया, देव प्रबोधन के बाद हरिहर मिलन के पश्चात पूर्णिमा को ग्रहण आएगा, तो पूर्णिमा को जब ये ग्रहण आएगा तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में हमें पूर्ण ग्रहण काल के समय जब हमारे यहां पर दृश्य रहेगा, उस समय हमें अपने इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। और विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र या जो भी मंत्र आप भगवान शंकर का जपते हैं, और भगवान नारायण का भी आप नारायण मंत्र या कोई अन्य मंत्र जो आप जपते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र एवं अन्य मंत्र इसी तरह के, इनमें से किसी भी 2 मंत्रों का, नारायण मंत्र का और भगवान शिव के मंत्र का चयन करके जरूर जपें, क्योंकि ये ग्रहण मेष राशि पर भरणी नक्षत्रम है और प्रथम राशि पर ये ग्रहण होने पर लगभग सभी राशियों पर इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में, वह भी विशेष रूप से मानसिक दृष्टि से इस ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ना है। अतः इससे रक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि आप भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का ध्यान करें और अपने इष्ट मंत्र का जप करें। इनके लिए भी थोड़ा आप जप कर सकते हैं, इनका ध्यान कर सकते हैं, इनकी स्तुति कर सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, अमोघ शिव कवच है, महिमना स्तोत्र है, ऐसे किसी भी स्तोत्र का, किसी भी मंत्र का आप जप कर लें। तो ये ग्रहण काल में हमें ध्यान रखना है। और ये भ्रम बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि इस ग्रहण का कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं होगा, यह ग्रहण 100% है और पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए चंद्र ग्रहण पूर्ण होने के कारण और ग्रहण की स्थिति होने के कारण और एक ही पक्ष में 2 ग्रहण आने के कारण, यद्यपि आपको डराने की ये जो बहुत सारी चेष्टाएं होती हैं ऐसी बातें नहीं है, लेकिन सावधानी रखना है। सूर्य ग्रहण के पश्चात चंद्र ग्रहण, तो आत्म तत्व भी हमारा ग्रस्त है और मन तत्व भी ग्रस्त है, तो दोनों ही स्थिति में हमें भगवान नाम स्मरण करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। भगवान आपका कल्याण करें। बहुत शुभकामनाएं।